सेगांव शासकीय चिकित्सालय खरगोन के प्रसूति वार्ड में भर्ती श्रीमती प्रिया गौरव जायसवाल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बामंदी दिनांक 15 मई को प्रथम प्रसव के ऑपरेशन के पूर्व स्वस्थ अवस्था में अचानक निधन हो गया था। बताया जाता है कि प्रिया जायसवाल का शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर रानू रघुवंशी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन किया जाना था। ऑपरेशन के पूर्व प्रिया जायसवाल को इंजेक्शन लगाया गया। जैसे प्रिया को इंजेक्शन लगाया गया, उसे झटके आने लगे, मुंह से खून व झाग निकलने लगा। इंजेक्शन लगाने के कारण प्रिया जायसवाल की मौत हो गई। इन तीनों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की मांग का मध्य प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा खरगोन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय में SDM मुजालदा को ज्ञापन सौंपा गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। बोले कि इन्होंने इनका 9 महीने तक ट्रीटमेंट किया, प्रसूति से 1 दिन पहले इन्होंने उसको एडमिट किया और सीजर के टाइम पर चले गए लावारिस छोड़कर। इसकी डेथ होने की मुख्य वजह यह है कि जो डॉक्टर अटेंड कर रही थी वो अनुभवी नहीं थी, और ये अनुभवी थे, ये अगर ये अटेंड नहीं कर सकते थे तो इन्होंने उसको पहले ही बोल देना था कि मैं कल यहाँ नहीं हूँ, आपको जहाँ करवाना इलाज करा लेंगे, वो इंदौर चले जाते। उसको भरोसा दे करके वहाँ अटेंड वहाँ एडमिट करके गए और उसको अटेंड नहीं किया। फिर शिकायत है तो दिन खरगोन जिला चिकित्सालय में आती है। फिर दूसरा विषय ये है कि जो डॉक्टर रानू है उनको अगर इतना अनुभव नहीं था तो उन्होंने किसी अनुभवी डॉक्टर को साथ में रखना था, या वो नहीं कर सकती थी तो उन्होंने मना करना था। जो इंजेक्शन लगा है वो सस्पेक्टेड है, मतलब उस इंजेक्शन को लगाते ही बराबर उसकी मुश्किल से 5-7 मिनट की डेथ हो गई। तो बात यह है सर कि बार जोर से चिल्लाई नहीं हुई वाली का। बात यह है कि लोग भरोसा करके सरकारी अस्पताल पर आते हैं, और अगर आज संपन्न वर्ग तो आता नहीं, गरीब व्यक्ति अगर भरोसा करके आ रहा है, उसका भरोसा टूटता है तो ये प्रशासन की असफलता है। और ऐसा होगा तो मतलब लोगों को सरकारी अस्पताल आना मुश्किल लगने लगेगा कि सरकारी अस्पताल जाने के बजाय लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे। एक जान गई है, हम समाज के सब लोग बहुत दुखी हैं, और नवविवाहिता थी, मुश्किल से 2 साल पहले उसकी शादी और सभी उसके 1 साल पहले उनके पिताजी को कोरोना में। दूसरा हम इसमें ये चाह रहे हैं, उन लोगों ने 3 डॉक्टर को टीम बना ली है और वो वहीं पर अपना सारा सब कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो खुद ही अपनी जांच मतलब आरोपी साथियों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं। हमने इसमें मांग की है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसकी जांच करें, प्रकरण दर्ज होना चाहिए सर, इसका खौफ कड़ा होना चाहिए कि हम किसी की जान के साथ खेलेंगे तो कल से हमको सजा भी होगी अगर हम इन्हीं लोगों के जांच के दायरे में गिर जाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।